हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस, मैंने व्लॉग चैनल चालू करा है, मतलब अपने शौक के लिए करा है। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है व्लॉग चैनल चालू करने का, बस मेरा मन था करने का तो मैंने कर लिया। मैं इस व्लॉग में वो दिखाऊंगा जो जो मैं करूंगा, मतलब कहीं जाऊंगा वो वगैरह वगैरह। और मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि बड़े होके मैं देखूँ क्या मैंने करा है, क्या हगा है, क्या पाया है, क्या खोया है। ठीक है, कोई वो नहीं है मोटिव मेरा व्लॉग चैनल चालू करने का, मेरा मन था मैंने कर लिया। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है, मैं बैठा था पढ़ने क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत करीब, बहुत ज़्यादा, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना बिजनेस का, ना इको का, ना अकाउंट्स का, किसी चीज़ का भी नहीं पढ़ा। इंग्लिश का 13 तारीख को मेरा पहला पेपर है और अब मैं पढ़ने बैठा हूँ। ये देखिए गाइस, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अभी मैं चालू करूँगा पढ़ना, अब मैं आपसे पढ़ने के बाद मिलता हूँ। गाइस, अभी ऐसा है, ये चैप्टर ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है करना क्या है इस चैप्टर में। बाकी सब थोड़ा थोड़ा क्लियर है मुझे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आता। बस इतना बहुत करा है मैंने अभी तक, और अभी मुझे कहीं जाना भी है। गाइस, मैं 4 लेक्चर देख चुका हूँ, अब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि क्या गलती कर रहा था मैं और क्या क्या समझना था उस चैप्टर में, अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है मुझे। अब चलते हैं, थोड़ा नहा लेता हूँ मैं और ये थोड़े बाल बाल काट लेता हूँ अपने, और फिर शायद हमने सोचा है कि आप स्विमिंग पूल जाएंगे तो बता दूंगा जो होता है। गाइज, नहा के तो आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ का टाइम हो रहा है क्योंकि उसके बाद आके खाना वाना खा के और जब तक स्विमिंग पूल जाएंगे जब तक थोड़ा पढ़ने बैठ जाऊँगा, और ताकि थोड़ा कुछ समझ आ जाए मुझे क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा जैसा आपको उन्होंने बताया था। उसके बाद पढ़ने बैठूँगा, फिर स्विमिंग पूल जाऊँगा, जैसा भी होगा मैं आपको दिखा दूँगा। नमाज़ पढ़ के तो आ चुका हूँ भाई, अब सोच रहा हूँ घर का खाने का तो कुछ मन नहीं कर रहा, बाहर से डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा लेता हूँ, वो खाता हूँ और फिर पढ़ाई करने बैठता हूँ। और भाई, मैं इतना कुछ ज़्यादा खास पढ़ता नहीं हूँ, वो मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ, वरना मैं पढ़ता नहीं हूँ। आज से ही पढ़ना चालू करा है मैंने, जितना ही पढ़ा है वो भी पढ़ता हूँ, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ भाई, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। भाई, पिज़्ज़ा आ गया और पिज़्ज़ा खा भी लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ पहले स्विमिंग पूल हो जाता हूँ फिर आके पढ़ने बैठता हूँ आराम से। भाई, पहले हम जा रहे हैं अशोकनगर, उधर से अपने दोस्तों को उठाएंगे और फिर जाएंगे स्विमिंग पूल। और ये जो है ये मेरा भाई है छोटा। भाई, अशोकनगर तो आ गए हैं, अब मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ, वो ऊपर गया है अभी स्कूटी की चाबी लेने, अपनी स्कूटी लेगा वो, और वो अभी उसे अभी अभी उठाया मैंने, अभी दूसरे दोस्त को कॉल करी है वो भी आ रहा है, फिर निकलते हैं हम स्विमिंग पूल। भाई, हम जा तो रहे थे स्विमिंग पूल 3 बजे करीब, लेकिन फिर क्या कहते हैं हमारा वो कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम निकल चुका था, 3:30 तो यहीं बज गए थे, मैं फिर 4 बजे आने वाली घड़ी है, पहुँचने में 5-7 मिनट लगते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा 4 बजे जाएंगे, अपना टाइम भी बचेगा और घर पे बैठ गए, बदतमीज लड़के गए हुए हैं उनसे एकदम घर पे बैठ गए। यही बात भाई, ये जो बड़े व्लॉगर हैं इन्होंने हमसे पहले व्लॉगिंग चालू करी है, 180 सब्सक्राइबर है भाई, 200 कुछ है भाई, 200 कुछ सब्सक्राइबर है भाई के, अमीर आदमी इनकी अर्निंग आती रहती है। भाई, अभी टाइम हो रहा है 3:39, अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का टाइम हो रहा है 4 से 5 बजे वाली शिफ्ट में जाएंगे हम, सिर्फ हमें 10 मिनट के अंदर पहुंचना वहां पे, और 2 स्कूटी हैं तो और यहाँ एक भाई की चोट भी लग चुकी है, खून निकल रहा है उनके, बाथरूम में स्लिप हो गए थे, स्विमिंग पूल पहुंच चुके हैं। बाकी हम अभी हम आ गए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल आ चुके हैं, स्विमिंग पूल स्विमिंग करके निकल चुके हैं यहाँ से, अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, अगर कुछ बीच में खाएंगे पियेंगे तो खाएंगे, बिल्कुल आ चुके हैं, अब भूख लग रही थी थोड़ी, नहाते नहाते तो हम आ गए बर्गर बाइट पे, यहाँ पर कुछ खाते हैं, सुना है कोल्ड कॉफी अच्छी है यहाँ की, कुछ टेस्ट करते हैं। ऑर्डर तो हमने दे दिया है, अब देखते हैं कैसा होगा, टेस्ट करानी है हम पहली बार, आए किसी के पैसे मिलेंगे, ये पैसे गिरे हैं किसी के किस्मत, यहाँ पर खाने आए थे, यहाँ किसी के 200 रुपये गिर गए, अगर कोई आता है लेने पैसे तो हम दे देंगे,
वरना हम इन्हें मस्जिद में दे देंगे या किसी गरीब को दे देंगे। भाई चाबी भूल गया था स्कूटी में लगेगी, फिर तो आ गया अपना। थैंक यू भाई। अपना तीन कोल्ड कॉफ़ी है, तीन बर्गर हैं और थोड़े से फ्राइज़ हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऑर्डर है अपना, चलो भाई खाने के बाद मिलते हैं। खाना पीना तो हो चुका है अपना सबका, बस अब चलते हैं घर। आ लिया भाई मुकरम ब्लॉगर साहब, हमारे थोड़ा वो तो कर दो भाई। बहुत अच्छा था, 100 रुपये में पहली बार ट्राई करा है, काफ़ी मज़ा भी आया हमें। कोल्ड कॉफ़ी जहाँ पे ये कितने की होगी वैसे? 50 की। हाँ तो वही है, मतलब उसी हिसाब से बैठ गया। और बर्गर भी काफ़ी अच्छा था भाई। आपको कैसा लगा बर्गर? हमारे चैनल तो प्रमोट कर दो ब्लॉगर साहब। लिंक मेरे उस पर आ जाएगा आपका। ठीक है, हम आ रहे थे तो ये गलती से अनस भाई की स्कूटी ब्रेक फिसल गई। टायर स्किट हो गया यार, स्कूटी भी टूट गई थोड़ी सी। अरे भाई ये स्कूटी थोड़ी खराब हो रही है, इसका टायर आज का दिन ही खराब है। मैं पानी में डूबने से बचा, आज का दिन अभी बर्गर खा के सारे निकल गए, इसमें भूल से आ चुके हैं। खाना वाना खा के आ गए, कच्ची निकाल के अब चलते हैं ऊपर। ऊपर चल के ऊपर चल के सोच रहा हूँ थोड़ी पढ़ाई करूँगा 8 बजे तक, उसके बाद देखते हैं क्या करना है भाई। अब थोड़ी सी पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, 6 बज रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ 8 बजे तक कम से कम, उसके बाद थोड़ा टीवी भी देख लूँगा, फिर चलते हैं सोने। सारे काम हो चुके हैं भाई, अब सोच रहा हूँ थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ घर वालों के साथ बाहर बैठ के। चलो चलते हैं, थोड़ी देर मूवी देख के एडिटिंग चालू करता हूँ, फिर व्लॉग भी तो एडिट करना है ये वाला जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब थोड़ी सी भूख लगी थी मुझे तो मैं खा लेता हूँ, ये पापा लाए थे ये खा के फिर सोते हैं। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। खाना भी खा लिया है, व्लॉग भी एडिट हो गया है, और बाकी मेरा फर्स्ट व्लॉग था, अगर कुछ गलती हो तो आप बताना। और बस